हेलो एवरीवन, अगर आप एसएससी रीजनिंग के लिए स्ट्रेटजी देख रहे हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इस वीडियो में सभी पैरामीटर्स पर बात करने वाले हैं। एसएससी की रीजनिंग के लिए आपका सिलेबस क्या रहता है, आपका पैटर्न क्या रहता है, आपको मॉक्स कहाँ से लगाने हैं, अगर आप एक बिगनर लेवल पर हैं तो आप कैसे एडवांस लेवल पर पहुँच सकते हैं और इवन 50 out of 50 भी स्कोर कर सकते हैं। तो हम इन सभी पैरामीटर्स पर बात करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को शॉर्ट रखते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम प्लीज़ एसएससी स्टेनो के रीजनिंग के लिए अलग वीडियो बनाइए, एमटीएस के लिए अलग, सीजीएल के लिए अलग। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसएससी के अंडर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो सिलेबस रहता है वो मोस्टली सेम ही रहता है। अगर आप बेसिक चैप्टर्स कर कर चले जाते हैं एग्ज़ाम्स में तो आप इजीली क्वेश्चंस बना लेंगे। जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो सिर्फ एग्ज़ाम में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम्स में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन क्या है वेरी करते हैं, तो आपको वहीं पर जो डिफरेंस देखने को मिलता है। बाकी सिलेबस में नंबर ऑफ मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चंस में इतना कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका सेकंड अपने आप ही क्या है प्रिपेयर हो जाएगा। सो अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखिए, अगर आप एसएससी की साइट पर जाकर ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पर चैप्टर वाइज बायफर्केशन नहीं मिलेगी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा चैप्टर करना है। इसलिए मैंने आपका वर्क इजी कर दिया। ये आपके टॉपिक्स हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए या अपनी वॉल पे पेस्ट कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे। और मैं इसकी पिक जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी उसको ले सकते हैं। तो थ्रू आउट द जर्नी आपको अपने सिलेबस से स्टिक रहना है, अपने सिलेबस के अलावा कुछ नहीं करना है, आलतू फालतू कुछ नहीं करना है। तो इस सिलेबस पर क्या है स्टिक रहना, यही करना, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमें इस सिलेबस को कैसे कवर करना है। तो देखिए, आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप कोई कोचिंग मटेरियल ले लीजिए या कोई कोचिंग ले लीजिए, या फिर आप सेल्फ स्टडी कीजिए, यूट्यूब की हेल्प लीजिए। तो फर्स्ट, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, मतलब कि हाँ मैं रिसर्च करूँ, ये वीडियो वो वीडियो या फिर एक्सपेरिमेंट करूँ, इतना टाइम नहीं है आपके पास, एक दो महीना ही है, तो आप क्या ये कीजिए, कोचिंग लीजिए, आपका काम इजी हो जाएगा। आपको वहीं से पीडीएफ मिल जाएंगी और वहीं से आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे जिनको आप सीरीज में कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर गोइंग विद द कोचिंग, देन आई कैन सजेस्ट यू वन, दैट इज़ ईवन कोचिंग सेंटर। इनसे मैंने 6 month का कोर्स लिया था, तो आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, 600 के कुछ पास रहता है, मुझे क्लियरली अभी याद नहीं है, तो आप देख लेना। उनकी ऐप है ईवन कोचिंग, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड, अगर आप कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं तो आप फ्री सोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपका काम इजी कर दिया है। मैंने सभी चैप्टर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिए हैं, तो आपको बस क्या करना है, आपको उन लिंक्स को विजिट करना है, वहाँ से अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। और देखिए, आपको सिर्फ चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं करना है, लाइक एक चैप्टर किया मूव ऑन टू सेकेंड चैप्टर, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आपने एक चैप्टर किया, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, पैटर्न जितने भी उससे बनते हैं, आपको कवर करने हैं। जब आप 100-200 क्वेश्चन उस चैप्टर से कर लेंगे तो आपका एक बहुत ही अच्छा होल्ड हो जाएगा उस चैप्टर पर, तो आपके सामने उससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप बना लेंगे। तो ये मस्ट है, ये करना मस्ट है। तो हर चैप्टर के बाद उसके क्वेश्चंस लगाने मस्ट हैं, इस बात को ध्यान रखना। फिर ऐसे ही आपको सेकेंड चैप्टर करना है, थर्ड चैप्टर करना है, ऐसे कर करके आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे कोचिंग से या फिर फ्री मटेरियल से, जैसे भी आपको सही लगे, आपने कर लिया कंप्लीट, और आपको क्वेश्चंस कहाँ से लगाने हैं उसके लिए आप या तो बुक रेफर कर सकते हैं, लाइक आपकी पिनाकल है, उसमें आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस रहते हैं काफ़ी सारे, आपकी किरण पब्लिकेशन है, और अदर सोर्सेज जो आपको मार्केट में अवेलेबल है उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे आप लगा सकते हैं। एंड अगर आप बुक नहीं परचेज करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आरबीई रेवोल्यूशन है, चैनल है उनका टेलीग्राम पर, तो आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज़ आप
गूगल से टेलीग्राम से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे। फिर अब मान लेते हैं कि आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, 90-95% आपका सिलेबस हो गया है, तो अब आपका आती है बारी स्पीड बिल्ड करने की, क्योंकि स्पीड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ एन एग्जाम। तो स्पीड कैसे बिल्ड करना है, तो देखिए सबसे पहले तो आप जब अपनी तैयारी कर रहे थे उस वक्त आपको 30 तक स्क्वेयर, 20 तक क्यूब्स और आपके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं लाइक ए इज इक्वल्स टू 1, के इज इक्वल्स टू 11, ये जो अल्फ़ाबेट्स और उनकी जो नंबरिंग है वो आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। जब आप ये कर लेंगे जब तो आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। टेस्ट आप कहाँ पर लगा सकते हैं, मैं दो सोर्सेज बता देती हूँ। वन इज़ टेक्स्ट बुक एंड सेकेंड इज़ ग्रेड अप, जो अभी बायजूस के साथ उन्होंने कोलैब भी कर ली है। तो अब मुझे ये दो ही सोर्स अच्छे पता हैं। आप फ्री सोर्सेज भी गूगल से यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने इनका सब्सक्रिप्शन परचेज कर लिया, तो अब आप इनसे क्या है सेक्शनल टेस्ट लगाइए। तो स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में आपके कम क्वेश्चंस अटैम्प्ट होंगे, बट धीरे धीरे जैसे आप 10-20 सेक्शनल टेस्ट लगा लेंगे तो आपकी काफ़ी अच्छी स्पीड आ जाएगी और आप टाइम पर अपने क्वेश्चंस करने लग जाएंगे। तो सेक्शनल टेस्ट लगाइए वंस योर सिलेबस इज़ कम्प्लीट, और आप सिलेबस के बीच में भी क्विज लगा सकते हैं, चैप्टर वाइज क्विज। तो क्विज लगाइए, सेक्शनल टेस्ट लगाइए, उससे आपकी स्पीड बिल्ड होगी और जो मैंने आपको याद करने के लिए कहा है वो याद कीजिए। और जब आपकी एक अच्छी स्पीड बिल्ड हो जाएगी, एक अच्छा होल्ड हो जाएगा आपका, तब आप जब फुल टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप नेग्लेक्ट करते हैं सेक्शनल टेस्ट को और डायरेक्टली जंप कर रहे हैं फुल टेस्ट पर, तो आपके काफ़ी कम स्कोर आपका रह सकता है, जिससे कि आप काफ़ी डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो ट्राई कीजिए स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़े, फर्स्ट क्विज, चैप्टर वाइज क्विज, देन सेक्शनल टेस्ट और फिर फुल मॉक टेस्ट। तो इस सब प्रोसेस में आपका अबाउट 3-4 मंथ ही लगना चाहिए, बिकॉज रीजनिंग इतनी वास्ट नहीं है, आप उसको ईजिली 3-4 मंथ में कवर कर सकते हैं और इसमें आपकी स्पीड भी बिल्ड हो जाएगी। और जो रीजनिंग का लेवल रहता है एसएससी एग्जाम्स में वो आपका इजी टू मॉडरेट ही रहता है, कभी कभार 2-3 क्वेश्चन ही आपके होते हैं जो आपके हाई लेवल के होते हैं, तो वो तो शायद मतलब किसी से ही नहीं बनेंगे, तो वो तो टेंशन लेने वाली नीड ही नहीं है। तो ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस पर मत जाना कि तुम बैंकिंग के क्वेश्चंस उठा रहे हो रैंकिंग के लिए या फिर कैट लेवल क्वेश्चंस उठा रहे हो, तो ऐसा मत करना। इजी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करना, ओके, तो उससे आपका काम बन जाएगा। सो दैट्स इट फॉर द रीजनिंग स्ट्रेटजी। मैंने ट्राई किया है जितना पॉइंट्स कवर हो सकता था उतना किया, तो अगर अभी मैंने कोई पॉइंट मिस आउट कर दिया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली रिप्लाई। सो थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।